sabe un canto. Thank you.
मैं पिछले साल भी यहाँ पर आया था और इस साल भी यहाँ पर आया हूँ, तो मुझे ये लोग बोल रहे थे कि आपको जो भी मदद मांगनी है मांग लीजिए। मैंने बोला मैंने जो जो मांगा था पिछले साल मुझे सब मिला है, तो मेरा और लालच बढ़ गया है। मैं हर साल आऊँगा और ज़्यादा ज़्यादा मांगूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि जो भी मांगो मिल जाता है यहाँ पर। और हम लोग दोनों बाहर थे तो पूरा सीज़न पूरा फेस्टिवल में तो मुंबई में सब जगह नहीं जा पाए, लेकिन जब नसीब में आपको होता है पापा ने आपको जहाँ बुलाना होता है, तो मैं जैसे वापस आया तो मुझे पता चला कि अभी 17 तारीख तक विसर्जन नहीं है, तो मुझे लगा कि चलिए पिछले साल जो मांगा था वो समेट लिया, अभी नई चीज़ें मांग के आते हैं, जाकर दर्शन करके आते। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे आकर यहाँ पर, और आप सभी जितने भी लोग हैं आप सबकी मनोकामनाएँ पप्पा पूरी करें, हम शोर करते ही होंगे, इसीलिए सब लोग यहाँ पर खुशी खुशी हर साल आते हैं और हमेशा खुश रहिए, और मुझे सर हर साल बुलाते रहिए जी। दो तड़का बॉलीवुड के लिए, ये इनको बस बॉलीवुड के लिए चाहिए, आप खुद ही आ रही है, क्या चाहिए आपको बताइए। मेरा देखिए, मैं जब भगवान के घर में आते हैं तो मुझे लगता है कि इनके सामने सिर्फ हाथ जोड़ के खड़े होना चाहिए और इनसे अपने दुख इनको बताने चाहिए और इनसे उसका इलाज लेके घर चले जाना चाहिए। तो नया शो आ रहा है मेरा जी टी वी पर बहुत जल्दी, वहाँ पर आपको पूरा एक घंटे का एंटरटेनमेंट मिलेगा और जल्दी आपको मैं बता दूंगा, और मैं रमेश भाई इनको शूटिंग पर जरूर लेके आया। तो बाकी आप वो शो देखिएगा, और ये जो आपको इतनी प्यारी इतनी स्वीट सी दिख रही है, अभी खतरों की खिलाड़ी करके आई है, तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी खतरनाक है, कैसे 50-50 माले की बिल्डिंगों पर कूद जाती है और कैसे सांपों के बीच में लेटती लेटती निकल जाती है, आप इसको देखेंगे हम लोग। और नया शो आ रहा है सर जी टी वी पर, आप देखिएगा। बाकी शूटिंग पे जब आप आओगे तो पता आपको मैं बताऊँगा। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए आप सभी लोगों का। गणपति पापा बोलिया। आ रहा हूँ मैं आ जाऊँगा पीछे।